सर आज तो एक दफा नहीं दो दफा नहीं, yes, तो सर हमने तो सीधे पंगे लिए थे। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह ताला। मुझे तो लग रहा है वो 21 वाला मैच रिपीट होगा, कोई आउट नहीं होगा। अच्छा पुराना मैच है कम में हल्की ऐसे। और एजाज रिजवान को उसने पूरे 19 ओवर कीपिंग की है, उसको आईडिया है विकेट का, पता है कि कैसा बाउंस है, कैसे खेलना है, वो अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से इंडियन बैट्समैन जितने आउट हुए हैं, मेरे ख्याल से वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। टी ट्वेंटी की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया को बाय द वे ऑल आउट कर दिया है। तम पूरी टीम को 20 ओवर से पहले घर भेजा है। ये पाकिस्तान ने पहली मरतबा ये इजाज़ हासिल हुआ इंडिया के खिलाफ, यहाँ की तारीख खत्म हुई है। सुबह से ट्वीट किए जा रहा हूँ, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान। शुक्र है फिलहाल ये चीजें ठीक हो रही हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि यूएसए से हारने के बाद जो एनर्जी आएगी पाकिस्तान की, शेर अहंकार अल्लाह कर देता है। लेकिन मैं इंडिया की आवाम को कहता हूं जी, आप बिल्कुल सही थे। जो आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के ऊपर है वो बहुत अच्छा है। अब आए ना लाइन पे, मैं एक पागल था, मैं नहीं मानता। इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो आपसे बहुत तगड़ी है और आपके पास टैलेंट बिल्कुल किसी काम का ही नहीं है। इफ्तिखार के ये 9 बॉलों पे 5 रन बनाए, आई थिंक दिस शुड बी हिज लास्ट गेम, इट्स इनफ। बहुत मौके मिल गए, बहुत कर दिया। बाहर डगआउट में कौन से बैठे हुए जो लेके गए, वही खिलाने हैं, वही खिलाने। लेकिन बस आई एम सेइंग, अब एक एक मैच खिलाएंगे, कितना मौका देंगे अब, बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं पूरा माहौल बदला। अब इंडियन कैंप में इंडियन तमाशाइयों के चेहरे खिलखिला रहे हैं, वो एज यूजुअल पाकिस्तानी कैंप में सब मात। आज तो हदी हो गई कि 120 आप पहले अमेरिका से हार जाते हैं, आखिरी में 15 रन देते हैं अमेरिका जैसी कच्ची टीम, बच्ची टीम के खिलाफ। और पता नहीं अभी अल्फाजों के लिए इस्तेमाल करने भी चाहिए नहीं, अल्फाज अपनी टीम के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। और उसके बाद जो हुआ तो एक आज तो एक दफा नहीं दो दफा नहीं, yes, हमने तो बड़ों बड़ों से पंगे लिए हुए थे भाई। जरूरी है सर, हमने तो सीधे पंगे लिए हुए थे। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अभी पोजीशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, अभी भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो हमने बातें की थी, जो मैं ट्वीट्स मैंने सुबह से ट्वीट्स किए जा रहा हूँ, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान। शुक्र है फिलहाल ये चीजें ठीक हो रही हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि यूएसए से हारने के बाद जो एनर्जी आएगी पाकिस्तान, देखिए एक यूएसए से हारा, उसके बाद इंडिया से मैच, और वहां से अगर हारा टूर्नामेंट से बाहर हो गया, फिर आगे भी T20 वर्ल्ड कप में मुश्किल हो जाए, क्वालिफाई खेलने पड़ेगा। तो ये जब चीजें थी उससे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सर असी भी थोड़ी जी क्रिकेट खेली है, ठीक है सानू भी पता है कि की होएगा की नहीं होएगा, तो उसकी वजह से मैंने बोला था कि ये पाकिस्तान जीतेगा। मुबारक हो बहुत बहुत इंडिया की टीम को, आज का मैच जीती। आज मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ, कसम से मैं बिल्कुल भी आज गुस्से में नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल होके आज बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं 2-3 दिन से ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी, उसकी वजह ये थी कि यूएसए से हारे हुए थे, इंडिया को अगर हराते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है उसके बाद वो सुपर 8 में भी आ सकते हैं, टूर्नामेंट से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अब जो हालात हैं, ये टूर्नामेंट से बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था, और इंडिया के जो लोग हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, जो इंडिया के लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप क्यों पाकिस्तान टीम को कह रहे हैं जी पाकिस्तान टीम जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। लेकिन मैं उनसे कह रहा था, मैंने खुले डुल्ले ट्वीट्स किए, आप सबने जो पढ़े भी होंगे, कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा, टॉस जीते कोई भी हारे लेकिन हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हो पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो बॉलिंग बहुत अच्छी की, ठीक है। लेकिन मैं इंडिया की आवाम को कहता हूं जी, आप बिल्कुल सही थे। जो आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के ऊपर है वो बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी टीम परफॉर्म करती है, आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स हैं बहुत बड़े बड़े।